आप देख रहे हैं केवल सच। पटना के गांधी मैदान के पास बियाड़ा के कार्यालय में देर रात लगभग 2 बजे आग लग गई। 1 बजे फायर अलार्म बजा, जिसके बाद वहां तैनात कर्मी ने पावर कट कर दिया और इसे सूचना अधिकारी को दी, जिसके बाद बहुत सारे अधिकारी आनन फानन में बियाड़ा दफ्तर पहुंचे, मुआयना किया। मुआयने के बाद अधिकारी के द्वारा फिर से पावर सप्लाई कर दिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद थर्ड फ्लोर से धुआं उठने लगा और पूरा दफ्तर धुआं धुआं हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की आधी दर्जन गाड़ी पहुंचकर आग बुझाने में लग गई। अभी हालत नियंत्रण में है। हालांकि आग लगने की घटना में सर्वर रूम में काफी नुकसान हुआ है। घटनास्थल पर मौजूद अग्निशमन विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि सुबह 4-5 बजे के करीब इसकी सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम 2 गाड़ियों के साथ उद्योग भवन पहुंची। उस समय दफ्तर से धुआं निकल रहा था। बहरहाल कुछ कंट्रोल में है, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। थर्ड फ्लोर के सर्वर रूम में नुकसान पहुंचा है। उन्होंने आगे बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कंकड़बाग सचिवालय से भी अग्निशमन की गाड़ी मंगाई गई थी। कुल 6 गाड़ियां थी। देखिए पूरा रिपोर्ट।